नमस्ते, मेरा नाम निधि है। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि आपको किसी से रास्ता पूछना हो तब आप कैसे पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी को रास्ता बताना चाहो तब आप कैसे बता सकते हैं। तो आई होप कि वो चीज तो आपको क्लियर है ही। तो अगर आपको रास्ता पता चल गया हो तो वापस आ जाओ मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पे आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, इसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या है, सीक्वेंसिंग है क्या? बेसिकली सीक्वेंस का मतलब क्या है, किस ऑर्डर में चीज़ें होती है वो, और ये आपको कैसे काम आएगा। जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों की मेमोरी ना फ़ोन के आने के बाद इतनी अच्छी नहीं रही है। तो जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान जो है वो अपनी मेमोरी पे ही रिलाई कर रहा है, कि कुछ लिखा हुआ नहीं है इसीलिए वो वापस पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए ये आपका काम है कि आप उन्हें बताओ कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। ये जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ ना, अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपको कॉलेज के प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप स्कूल में भी है तो भी स्कूल की प्रेजेंटेशन में भी काम आ जाएगा। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, यानी कि अगर आपका 9 to 5 जैसा कोई जॉब है, कोई भी ऑफिस में है अगर आप, तो वहाँ पे भी आप अपने रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ कर पाएंगे जो मैं आज सिखा रही हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं, तो उसमें भी कोहेरेंस डेवलप करने के लिए आपको सीक्वेंसिंग लिंकर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इन जनरल अगर आप बात करना सीखना चाहते हैं तभी भी सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है किसी कॉन्वर्सेशन में, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं ना तभी भी आपको सीक्वेंसिंग काम आएगी। ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूजफुल है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप 2 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स की अगर आप बात करना चाहते हो ना, तो फिर सब कुछ एक ऑर्डर में आना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए अच्छा प्रायोरिटी वाइज ये चीज़ पहले है, ये चीज़ बाद में है। मैंने आपको किस ऑर्डर में सिखाया ना, मैंने अभी तक आपकी जितनी क्लासेस ली है एक के बाद एक, तो हर क्लास को एक नंबर दिया हुआ है कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो मैंने उस ऑर्डर में सेट किया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। पर आपको जब किसी से बात करनी है तो उनको आप लिख के नहीं दे रहे कि मैं ये बोलने वाला हूँ या ये मैं बोलने वाली हूँ, तो उस वजह से आपके लैंग्वेज में सीक्वेंसिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और राइटिंग में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान, जैसे अगर आपको कोई ऐसे लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखना है, तो आप 1 2 3 4 करके नहीं लिखोगे, उसमें आपको ये सब लिंकर्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए राइटिंग में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट नहीं डाल सकते ना, मतलब जब आप 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख सकते ना, तो एक नया पॉइंट ऐड करने के लिए आप एडिशन लिंकर डाल सकते हो या फिर सीक्वेंसिंग लिंकर डाल सकते हो। सीक्वेंसिंग तब यूज़ होता है जब आप प्रायोरिटी वाइज बता रहे हो कि पहले ये फिर ये फिर ये। एडिशन लिंकर तब यूज़ होता है कि जब आपको बस एक नया पॉइंट ही ऐड करना है, तो वो पॉइंट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इससे कम इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नया पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ऐड करने के लिए मुझे बोलना है। तो मैं आपको इन दोनों की चीज़ें सिखा देती हूँ, दोनों ही काफ़ी काम के हैं। सबसे पहले सीक्वेंसिंग लिंकर्स की बात करती हूँ। तो जैसे ही आपको फर्स्ट पॉइंट देना है ना, तो आप बोलोगे फर्स्टली, फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फ़र्क क्या है सब में? फर्स्टली एडवर्ब है, LY आ गया, मतलब कि एडवर्ब है, ठीक है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस, ठीक है। फर्स्ट जो वन नंबर हम लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं हम फर्स्ट। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल मतलब एक लिस्ट है, ऑल मतलब सब कुछ, उन सब चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ ये है, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो टू बिगिन विथ, टू बिगिन विथ वी विल लुक एट द सैम्पल्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ जिससे हम शुरू करेंगे, हो सकता है मैं उसको नंबर वन नहीं बोल रही हूँ, पर इस चीज़ से मैं शुरुआत करने वाली हूँ, तो मैं बोलूँगी टू बिगिन विथ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस सैम्पल्स, ओके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जब आप कोई टॉक शुरू कर रहे हो, जब आप एक नया पॉइंट यानी कि सबसे पहला पॉइंट जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तब आप ये वाले लिंकर्स यूज़ कर सकते हो। इनको हम लिंकर्स भी बोलते हैं, कनेक्टर्स भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो तब आप ये वाले वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो।
जब आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया है, अब आपको अगला पॉइंट देना है या उसका अगला पॉइंट देना है। तो कई लोग क्या करते हैं, फर्स्टली बोलते हैं, फिर सेकंडली, फिर थर्डली, फिर फोर्थली, फिर फिफ्थली, इधर तक जाते हैं। गलत है। फर्स्टली के बाद सेकंडली आता है। सेकंडली भी आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करता है कोई भी, ज़्यादातर लोग सेकंडली बोलते हैं। इतना याद रखना पड़े इतना कोई करता ही नहीं है। पहले थर्डली भी बोलते थे, अभी थर्डली भी नहीं बोलते, थर्डली तो बिल्कुल ही चला गया। तो आपको अगर सेकंडली याद नहीं रखना है तो आप सेकंड याद रखो। तो फर्स्टली के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे होता है, ठीक है, वो भी एक लिमिट तक। जैसे ही लास्ट पॉइंट पे आ जाओ ना, उसको बोलो फाइनली या लास्टली, ठीक है। अगर आप थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली बोलोगे तो वो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, थर्ड वील टॉक टू द चेयरमैन, एंड लास्टली वी मस्ट मेजर अप्रोप्रिएटली। तो मैंने क्या किया, मैंने एक के बाद एक पॉइंट्स बोले और लिखने वाले या सुनने वाले को समझ आ गया पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। जो प्रोसेस है ना चीज़ों की, वो उन्हें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था ना कि क्लैरिफिकेशन कैसे देना है, तो आपको वो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एकदम क्लियरली उनको समझा दिया है कि आपको इस ऑर्डर में चीज़ें करनी है। अच्छा, अगर आपको पॉइंट्स को नंबरिंग नहीं देना है, फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं करना है, तो अगर आपको नया पॉइंट शुरू करना है और आप बोल रहे हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आप बोल सकते हो नाउ, नाउ वील लुक एट द आइस एज, नाउ वील अंडरस्टैंड सीक्वेंसिंग लिंकर्स, ठीक है, अब ये चीज़ बात करते हैं। तो वो चीज़ हो गई, अब ये चीज़, इसका मतलब ये है। उसी तरीके से आप नेक्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, अब ये चीज़ के बदले बोलना है आप अगली चीज़, तो आप बोलो कि नेक्स्ट, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द डॉग्स ब्रीथ, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड डिड यू नो द सीक्वेंसिंग लिंकर्स, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जब मैं बोलती हूँ तो मेरा मतलब है अगली चीज़ अब ये है कि, और उसी तरीके से मैं आफ्टर दिस भी बोलूँगी, आफ्टर दिस आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, इसके बाद मुझे आपसे बात करनी थी, आफ्टर दिस वी विल लुक एट द स्कल्पचर्स। तो अगर मैं किसी एक लंबा टॉक मैं दे रही हूँ तो मेरे लिसनर के लिए आसान हो जाएगा, अच्छा पहले वो आइस एज की बात करेंगे, उसके बाद वो हमें स्कल्पचर्स दिखाएंगे। तो लिसनर के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आज इस तरीके से काम होने वाला है। तो किसी भी टॉक में, सिर्फ टॉक में क्यों, कॉन्वर्सेशन में भी आप ये लिंकर्स यूज़ करोगे तो आपका काम भी इजी हो जाएगा और सुनने वाले का भी इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम इंसिडेंट बता रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन है, आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि पता है ऐसा हुआ, एंड देन ही टोल्ड मी टू वॉक अवे, ही टोल्ड मी टू लीव, देन आई वेंट अवे एंड आई केम बैक, बट सो एंड सो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एंड देन दिस हैपेंड, ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। तो देन एक ऐसा लिंकर है ना जो आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इजी है ना, तो कई लोग इसको बहुत रिपीट करते हैं, दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, हर जगह आप देन 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 नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग चीज़ें दी है। पर काफ़ी जगहों पर आप देन लगा सकते हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, जब आप किसी को अपने बारे में कुछ बता रहे हो, जब आप किसी को कोई इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, तब आप देन को यूज़ कर सकते हो, पर एक्सेसिवली बिल्कुल मत यूज़ करना। तो देन तो ईजी लिंकर था, उसके अलावा एक और अच्छा वाला लिंकर सिखाऊं, सब्सिक्वेंटली या फिर इन द सब्सिक्वेंट स्टेज। ये थोड़ा अकेडमिक है सच बताऊं तो, ज़्यादातर लोग बात करते वक्त नहीं यूज़ करते हैं, पर आप कर सकते हो, गलत नहीं है अगर आप बात करते वक्त यूज़ करना चाहो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग ना इसको इंग्लिश एग्जाम्स में ज़्यादा लिखते हैं या बोलते हैं, सब्सिक्वेंटली वी कैन गो टू द म्यूजियम। तो अगर आप कोई टूर ले रहे हो किसी का या कुछ भी, तो आप बोल सकते हो चलो इसके बाद आगे के स्टेज में हम म्यूजियम पे जाएंगे, ठीक है। या अगर आप इंश्योरेंस में हो तो आप बोल सकते हो इन द सब्सिक्वेंट स्टेज वी विल प्रोसेस द क्लेम। तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद जो स्टेज आएगा या इसके बाद जो होगा वो है ये, तो तब मैं यूज़ कर सकती हूँ सब्सिक्वेंटली या फिर इन द सब्सिक्वेंट स्टेज। उसी तरीके से मीनवाइल यूज़ करना बहुत आसान है। मीनवाइल क्या होता है कि यू डू द डिशेस, मीनवाइल आई विल गो एंड पिक हिम अप, तो आप ये कर लो तब तक मैं ये करके आती हूँ। मीनवाइल का ये मतलब होता है तब तक मैं जाके पिकअप करके आती हूँ। तो चीज़ एक के बाद एक हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जब डिशेज़ ख़त्म की तभी आप उन्हें लेके आ गए, चीज़ एक के बाद एक हो रही है। पर हम बोलते वक्त बोलते हैं कि आप ये कर लो तब तक मैं ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ, तो तब आपको यूज़ करना है मीनवाइल। मीनवाइल बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है यूज़ करने के लिए, अगर आप अभी इंग्लिश सीखे हैं तो ईजिली आप इसको यूज़ कर पाओगे। उसके अलावा एक और सिक्वेंसिंग लिंकर होता है अबाव ऑल, सब चीज़ के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं बोलते हैं,
ठीक है, और लास्ट में हमको याद आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, तो हम बोल सकते हैं अबव ऑल मेक श्योर यू डोंट गेट लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैंने ऊपर बोली ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको लेट बिल्कुल नहीं होना है, तो ये चीज़ मेरी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कई बार जब मुझे लास्ट में याद आती है ना, तब मैं ये लिंकर यूज़ करके उनको बोल सकती हूँ कि इसका भले मैंने बोला लास्ट में है पर इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। वैसे ही प्रीवियसली भी एक अच्छा लिंकर है कि जिसमें मैं बता सकती हूँ कि पहले मैं ये करती थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछते हैं कि आप पहले क्या काम करते थे। प्रीवियसली आई यूज़ टू वर्क एज अ शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर। तो प्रीवियसली आई यूज़ टू वर्क एज अ शॉफर, प्रीवियसली आई वॉज अ शेफ, प्रीवियसली आई यूज़ टू डू दिस। तो प्रीवियसली मतलब पहले मैं ऐसा करती थी या करता था। तो प्रीवियसली के लिए मैं फर्स्ट सेकंड की बात नहीं कर रही, मेरे पास जो अभी प्रेजेंट है ना उसके भी पहले मैं क्या करती थी वो बताने के लिए मैं प्रीवियसली यूज़ कर सकती हूँ, तो सीक्वेंस पता चल जाता है। ठीक है, अगर सीक्वेंसिंग लिंकर्स आप समझ चुके हैं तो एडिशन लिंकर्स भी बहुत मुश्किल नहीं है, पार्ट ही होता है सीक्वेंसिंग लिंकर्स का। बट सीक्वेंसिंग में मैंने कहा ना आपको कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, अबव ऑल है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी आपने सेट की। एडिशन लिंकर्स में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, ओके, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं याद करने के लिए। जैसे कि आपने बोला एडिशनली या इन एडिशन टू दिस, उसी तरीके से और भी बहुत सारे एडिशन लिंकर्स होते हैं। अगर आपने बोला एडिशनली, तो ये तो मैं करती हूँ पर मैं ये भी करती हूँ, एडिशनली आई वर्क एट अ रेस्टोरेंट फॉर सम साइड इनकम, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं सबवे में तो काम करती ही हूँ बट एडिशनली आई वर्क एट अनदर रेस्टोरेंट फॉर सम साइड इनकम। तो ये इसके ऊपर ही है, प्रायोरिटी के ऊपर नहीं, ये इसके ऊपर ही है, मतलब इसके साथ ही है। वैसे इन एडिशन टू दिस आई कैन ऑल्सो मेंड क्लोथ्स, ये तो मैं कर ही सकती हूँ पर उसके अलावा मैं कपड़े भी ठीक कर सकती। उसी तरीके से एक और लिंकर होता है उसको बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आई डोंट थिंक आप कुछ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग यू कैन डू। ठीक है, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दैट का मतलब है इसके अलावा, वैसे एक अपार्ट फ्रॉम दिस भी होता है, हाँ दिस में भी इसके अलावा ही होता है, लेकिन यूज कैसे होता है, जब मैं बोलती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट यू टू डू द रिपोर्ट्स इज वेल, ठीक है ये तो करो ही बट इसके अलावा ये भी करो, और अपार्ट फ्रॉम दैट का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, खाली इसके अलावा आप कैसे यूज करना चाहते हो उसके ऊपर है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्ट यू टू डू द रिपोर्ट्स, तो ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ, और मैं कह सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग यू कैन डू, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम जैसे हिंदी में इसके अलावा यूज करते हैं ना, वैसे ही हम अपार्ट फ्रॉम दिस और अपार्ट फ्रॉम दैट यूज कर सकते हैं। दिस और दैट कब यूज़ होता है वो आपको ऑलरेडी पता है तो आप यूज़ कर पाओगे इजीली। अगर आपको सेफ रहना है तो दैट यूज़ करो तो आपका टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि दिस जो होता है ना वो नज़दीकी चीज़ों के लिए ज़्यादा होता है, दैट आपने पहले भी मेंशन किया हो तो आप यूज़ कर पाओगे। तो सेफ रहना है तो अपार्ट फ्रॉम दैट यूज़ कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट के अलावा एक और लिंकर है जो आपने पहले सीखा हुआ है। जब मैंने कंजंक्शंस की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक बहुत अच्छा कंजंक्शन भी है, बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, और आज आप ये जान रहे हो कि एक बहुत अच्छा एडिशन लिंकर भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज आपको ऑलरेडी पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है सिर्फ ये नहीं ये भी, तो हम बोल सकते हैं नॉट ओनली जेक बट ड्रेक ऑल्सो अराइव्ड लेट, तो सिर्फ जेक नहीं ड्रेक भी लेट ही आए। तो ऐसी ही चीज मैं किसी और सेंटेंस में भी बोल सकती हूँ कि जैसे अगर मैंने अभी कुछ मेंशन किया तो मैं बोलूंगी नॉट ओनली दिस बट देयर इज ऑल्सो वन मोर लिंकर दैट यू विल बी एबल टू यूज। तो मैंने एक और एडिशन करने के लिए एडिशन लिंकर जो कि है नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको यूज करना कितना अच्छा लगता है इंग्लिश में, क्योंकि आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ जाता है जब आप ये यूज करते हो। उसके अलावा कुछ ऐसे लिंकर्स भी है जो आपको ऑलरेडी पता है, एंड है और एज वेल एज है, तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि एंड जितना हम यूज़ करते हैं ना उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हम कुछ और यूज़ करते हैं। एक एंड है और एक बट है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एंड उसमें से एडिशन लिंकर भी है। आई वेंट टू द ऑफिस एंड सॉ द डोर लॉक्ड, अगर आप एंड से थोड़े बोर हो गए हो, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो इतना, तो एज वेल एज पे आ जाओ, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वो। आई डिसाइडेड टू डू माई मास्टर्स डिग्री एज वेल एज वर्क एज ए टीचर, मैंने सोचा था कि मैं अपना मास्टर्स भी करूँगी और मैं टीचिंग का जॉब भी लूँगी। तो और
यानी कि as well as, जहाँ पे and use होता है वहाँ पे as well as भी होता है. I went to the office and saw the door locked. तो and का मतलब है और, ठीक है. अगर आपको ये sequencing linker यानी कि addition linker इस केस में अगर clear हो गया है तो कुछ common वाले बताऊँ. सबसे common linkers जो है ना वो है moreover, furthermore. थोड़ा uncommon है another point is. Moreover और furthermore इतने ज्यादा कॉमन है कि लोग अब थक चुके हैं moreover और furthermore सुन के. furthermore से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कुछ यूज होता है तो moreover यूज होता है. कई लोग क्या करते हैं ना, गलत तरीके से यूज करते हैं. कुछ भी ऐड करने के लिए बोलते हैं moreover, moreover this, moreover that. ऐसे नहीं करना है. moreover we must stay strong. मैंने कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में जब बोला होता है ना और उसके ऊपर बस ऐड करना है, मुझे कुछ मैं कहना भूल गई थी और अब मुझे ऐड करना है, तो मैं बोलूँगी मोरओवर वी मस्ट स्टे स्ट्रांग, दिस इज इम्पॉर्टेंट. वैसे ही फर्दरमोर, फर्दरमोर वी विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस. तो कितना नेचुरल लगता है जब मैं ऐसे सेंटेंसेस में डालती हूँ. किसी भी रैंडम सेंटेंस में डाल दोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, स्पेशली राइटिंग में. आपका वो सेंटेंस आपके पिछले सेंटेंस पे ऐड करना चाहिए, तब आप एडिशन लिंकर यूज करोगे ना. एडिशन मतलब क्या, प्लस करना. तो ये सेंटेंस उसके ऊपर ऐड करना चाहिए, तब आप एडिशन लिंकर यूज करो. उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो. अनदर पॉइंट इज दैट लर्निंग समथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर मैं भूल गई थी कुछ कहना, या मैंने शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है और मैं कहना भूल गई, तो मैं कह सकती हूँ अनदर पॉइंट इज दैट लर्निंग समथिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो अनदर पॉइंट इसका मतलब क्या है, एक और पॉइंट है जो मुझे कहना है और वो है ये. उसी तरीके से और भी लिंकर्स होते हैं, जैसे कि ऑन टॉप ऑफ दैट होता है, इसके ऊपर. अबव ऑल से अलग है ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है. ये तो किया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही आस्क्ड मी टू लीव. एक तो ही डिड नॉट कम ऑन टाइम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही आस्क्ड मी टू लीव. तो ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब इसके अलावा इसने ये भी कर दिया, ठीक है. सब कुछ करो, उसके ऊपर ये भी करो. On top of that, I want you to finish these reports. किसी बॉस को अगर आपको बहुत सारा काम देना होगा ना, सब काम देके बोलेंगे On top of that, can you please finish these reports also? तो on top of that इस तरीके से होता है. Above all के साथ confuse मत करना. Above all priority में बताता है. Above everything else, do not come late. Above all, do not get late. और on top of that जो है ना वो priority नहीं बताता है, वो बोलता है कि सब ठीक था, इसके ऊपर ये भी किया, ठीक है. तो ऑन टॉप ऑफ दैट और अबव ऑल का ये डिफरेंस है. अगर आपको इतना क्लियर है तो एक और मैं आपको वर्ड सिखाती हूँ, वो है टू. अभी कुछ क्लासेस पहले ही हमने इसकी बात की थी रिजॉइंडर्स में. टू जो है वो ऐड करने के लिए भी यूज होता है. छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज में तो हो ही रहा था, बट यहाँ पे भी यूज होता है. फिनिश द रिपोर्ट्स बाय इवनिंग एंड फिनिश द प्रेजेंटेशन टू. ये तो कर ही लेना और ये भी कर लेना, तो तब यूज होता है. ये थे आपके लिंकर्स. मैंने आपको सीक्वेंसिंग लिंकर्स दिखाए हैं और सीक्वेंसिंग के अंदर जो एडिशन लिंकर्स होते हैं वो भी दिखाए हैं. आई होप आपको दोनों का फर्क पता चल गया. कैटेगरी एक ही होता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, एक प्रायोरिटी देता है एक नहीं देता है. अगली क्लास में मैं आपके पास लेके आऊंगी एक और नया टॉपिक, उसका नाम है आस्किंग फॉर इनपुट एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस. बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं ये सब. आके मैं अगली क्लास में आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगी. कैसे करूंगी उसके लिए अगली क्लास देखना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.